हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली सॉरी पहले तो, क्योंकि अभी थोड़े टाइम से हम लोग ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसका थोड़ा पर्सनल रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने नया ऑफिस खोला है, यहाँ अपने ऑफिस के बिल्कुल बाजू में ही है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा कामकाज बढ़ गया था, और अभी फ़िलहाल सब त्यौहार वगैरह भी चल रहे, तो सीजन का टाइम था, तो सॉरी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन फिर से हम लोग आ चुके हैं, और अभी आज गणपति है और गणपति की मूर्ति हम लोग को लेने जा रहे हैं। तो शुरुआत अपने नए ब्लॉग की वहीं से करेंगे, और गणपति की मूर्ति लेने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे समय साथ में चलिए। अभी सूरत में हमारे गणपति का त्यौहार बड़ा जोरदार होता है और काफ़ी मज़ा भी आता है। सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है तो आप समझ सकते हैं, अभी बारिश के टाइम में थोड़ा भीगे हैं और सर्दी भी हो चुका है। थोड़ा अगर वॉल्यूम डल लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और आपका प्यार वैसे ही बनाते रहिए, और हमारे नए व्लॉग्स को अभी एंजॉय करिए। तो चलिए चलते हैं, गणपति का आज आगमन है तो गणपति मूर्ति लेने के लिए, तो चलते हैं वहाँ पे और गणपति लाते हैं। हेलो सब लोग, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। वो त्यौहार है गणेश चतुर्थी आगमन, अविश्वसनीय उत्सव। ये देखिए गणपति महाराज। प्रभु श्री राम के नाम के नारे से अपने गणपति सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, देखते जाइए। आने वाले 10 दिनों तक अभी त्यौहार का बहुत बढ़िया मौसम बनेगा, रोज आरती, नाच गाना और ढेर सारा आनंद, देखते जाइए। जय श्री राम।
फाइनली गणपति बाप्पा हमारी सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं। ये देखिए सामने गणपति जी का मंडप है। ये मंडप में गणपति बाप्पा को बिठाया जाएगा। आप देखो गणेश चतुर्थी के दौरान वातावरण बिल्कुल विद्युतमय हो जाता है। सड़कें रंग बिरंगी सजावटों से सजी होती है। हवा में जीवन संगीत गूंजता है और लोग एक बड़े परिवार के रूप में जश्न मनाने के साथ आते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और आनंदमय उत्सवों को में डूब जाते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी केवल बाहरी उत्सवों के बारे में नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अवसर भी है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सौभाग्य के अद्भुत के रूप में माना जाता है। हम उनमें से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुख समृद्धि और आशीर्वाद और सफलता दे। हम 10 दिनों के इस त्यौहार के दौरान भगवान गणेश के सम्मानों में अपनी प्रार्थनाएँ करते हैं, विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और मंत्र मुक्त कर देने वाली आरती करते हैं। यह समय जब हम इन आध्यात्मिक पक्ष में जुड़ते हैं और परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं। गुजराती का फेवरेट गरबा आप देख सकते हो, गुजरात में किस तरह नवरात्रि में गरबा गाया जाता है। गुजराती हो तो कहीं पे भी गरबा शुरू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गुजराती। अभी गणपति को हमने उनके स्थान पे बिठा दिया है और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको गणेश चतुर्थी की आगमन की जानकारी दी।
खुशियाँ फैलाता है और परमात्मा के साथ हमारे बंधन को मजबूत करता है। यह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जल्द से आपसे और अधिक रोमांच सामग्री के साथ मिलूंगा। तब तक प्यार और सकारात्मक फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।